लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए और मरीजों की संख्या बढ़ने पर उनके इलाज के लिए सिटी मंडी के बीच स्थित शासकीय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के अटल भवन में 100 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया जा रहा है। ये सेंटर अपनों के लिए अपना कोविड सेंटर है। इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा जाएगा, उनके लिए ऑक्सीजन के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रशिक्षण नर्सिंग स्टाफ के साथ ही चिकित्सा और मेडिकल कॉलेज के अध्ययनरत चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थी यहां अपनी सेवाएं देंगे। आवश्यकता पड़ने पर यहां 500 बेड तक बिस्तर लगाने की तैयारी प्रशासन ने की है। परिसर में मरीजों की देखभाल, योग अभ्यास, उचित इलाज, दवाइयां, डाइट और जरूरत पड़ने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मुफ्त मिलेगा। इस केंद्र पर सुजालपुर सहित आसपास के सभी इलाकों के मरीज भर्ती हो सकेंगे। सुजालपुर से ये खबर, जहां पर फ्री मिलेगा इलाज और इंजेक्शन। 100 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर शुरुआत की गई है और जरूरत पड़ी तो उसे बढ़ाकर 500 का भी किया जाएगा। सुजालपुर से ये खबर आपके सामने, जहां प्रदेश का पहला कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। फ्री मिलेगा जहां पर इलाज। प्रदेश का पहला कोविड केयर सेंटर जो जन सहयोग से चलेगा, जहां पर अभी 100 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है और जरूरत पड़ने पर इसे 500 बिस्तरों का भी किया जा सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है इस पूरे कोविड सेंटर में दी जाएंगी? भारती, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कोरोना संक्रमण के काल में जो निजी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ बहुत महंगा इलाज हो रहा है। लोगों को बेड खाली नहीं मिल रहा है, क्योंकि बेड मिल भी रहे तो एक एक मरीज से कई लाख रुपए लेने के बाद भी उसको समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भटकना पड़ रहा है। इस पूरी कमी को पूरा करने के लिए जन सहयोग जुटाकर सरकारी संसाधनों के साथ स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने सुजालपुर में पहला कोविड केयर सेंटर शुरू करने की पहल की है, जिसमें 100 बेड है और यहाँ मरीज को भर्ती होने के बाद मुफ्त देखरेख, इलाज, उपचार और यहाँ तक कि रेमडेसिविर और इंजेक्शन की भी आवश्यकता लगेगी, वेंटिलेटर की भी आवश्यकता लगेगी, तो वो पूरी सुविधा हर आदमी के लिए मुफ्त रखी गई है। इसकी शुरुआत आज से की जा रही है और इसे आगे जाकर यानी कुछ दिन बाद ही इसे 500 बिस्तर तक यानी 500 बेड की क्षमता तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। जी पुरुषोत्तम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुजालपुर से यह खबर।